उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव के ऐलान होते ही बहुजन समाज पार्टी पूरी तरीके से एक्टिव हो चुकी है। बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती जी ने उत्तर प्रदेश में एक बड़ी बैठक कर बड़ा ऐलान कर दिया है। बीएसपी प्रमुख मायावती जी ने निर्देश दिया कि उत्तर प्रदेश में जो भी कार्यक्रम गांव चलो अभियान या प्रदेश अध्यक्ष द्वारा चलाया जा रहा है या भी कोई भी कार्यक्रम जो सेक्टर बूथ लेवल पर चल रहा है उसको सभी को स्थगित कर दिया गया है। बीएसपी प्रमुख मायावती जी का साफ निर्देश सामने आया है। बीएसपी प्रमुख मायावती जी ने कहा कि जब तक निकाय चुनाव नहीं हो जाते हैं तब तक सभी वर्क बंद रहेंगे, निकाय चुनाव में पूरा फोकस लगाकर जी जान से चुनावी मैदान में उतरा है। साथ ही जिताऊ प्रत्याशियों के लेकर बीएसपी प्रमुख मायावती जी ने अपने जिम्मेदार कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए कि जो भी जिताऊ प्रत्याशी हैं जिनका समाज में अस्तित्व है उनको मैदान में उतारा जाए। साथ ही बीएसपी प्रमुख मायावती जी की तरफ से जो अंबेडकर जयंती का कार्यक्रम आ रहा है, जो 14 अप्रैल को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती हो रही है, जिस मौके पर उन्होंने कहा कि जो मंडल स्तर पर बहुजन समाज पार्टी कार्यक्रम लगाती थी हर वर्ष, इस बार जो नगर पालिका साथ ही जो निकाय चुनाव है नगर पालिका स्तरीय जहाँ जहाँ पे जिस स्तर पे चुनाव हो उस स्तर पर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती मनाया जाए। बीएसपी प्रमुख मायावती जी के निर्देश पर बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता जिम्मेदार नेता जुट गए हैं, जो अंबेडकर जयंती बाबा साहब की मनाने के कार्यक्रम को लेकर बड़ी तैयारियां कर रहे हैं। बीएसपी की तरफ से संदेश दिया जाएगा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जयंती के बहाने से उनके बड़े बड़े कार्यक्रम लगा कर के निकाय चुनाव को पूरी तैयारी से मैदान में उतरने के लिए बीएसपी प्रमुख मायावती जी ने निर्देश दे दिया। अब बहुजन समाज पार्टी जो उम्मीदवारों की खोज में जुट गई है, जो जिताऊ उम्मीदवार हैं जिसका समाज में एक अस्तित्व है, जो जिनकी दुख सुख में समाज के साथ हैं, जो बहुजन समाज के साथ हैं, उनको बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती जी के निर्देश पर अब उतारने का बड़ा ऐलान कर दिया, जो कि बीएसपी के नेता लग गए हैं जिताऊ टिकाऊ उम्मीदवारों को उतारने के लिए। साथ ही बीएसपी प्रमुख मायावती जी ने बड़ा निर्देश दिया कि जो समाजवादी पार्टी और बीजेपी की मिली भगत चल रही है इसको जाकर के जन जन तक उजागर करें, साथ ही इनके बहकावे में ना आए, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी जो शासन कर रही है जिसके सरकार में जिसके वजह से आज महंगाई इतनी चरम सीमा पर है, जो भी आपस में लड़ने का काम हो रहा है, जो लड़ाया जा रहा है, महंगाई इतनी बढ़ रही, बेरोजगारी बढ़ रही है, तो इनके बहकावे से निकाल कर एक जनता में बड़ा संदेश देना है कि बहुजन समाज पार्टी ही है जो भारतीय जनता पार्टी को सरकार से बर्खास्त कर सकती है। तो बहुजन समाज पार्टी अपने वर्करों को, अपने नेताओं कार्यकर्ताओं को ये जो भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी मिली भगत उजागर का भी बीएसपी प्रमुख मायावती जी ने निर्देश दिया है कि समाज में जाकर इनकी मिली भगत उजागर करें, और बीजेपी से अगर कोई लड़ सकता है तो बहुजन समाज पार्टी का ये संदेश साफ तौर पर बीएसपी वर्करों और कार्यकर्ताओं तक पहुंचाने की जिम्मेदारी बीएसपी प्रमुख मायावती जी ने दे दी है।